दोस्तों, आप सभी लोग टीवी इंडस्ट्री में नजर आने वाली अभिनेत्रियों के सीरियल को तो देखना जरूर पसंद करते होंगे, जिसमें ये ना सिर्फ अच्छी एक्टिंग में बल्कि अपनी खूबसूरती से भी लाखों करोड़ों दर्शकों के दिल को धड़काया है। तभी तो आज लाखों करोड़ों दर्शक इनके दीवाने बन बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपनी खूबसूरती से लाखों लड़कों को दीवाना बनाने वाली इन अभिनेत्रियों को होने वाली सास है बहुत सुंदर। जी हाँ दोस्तों, इन अभिनेत्रियों की सास देखने में इनसे भी ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश नजर आती है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टॉप 6 अभिनेत्रियों की होने वाली सासू माँ से मिलवाने वाले हैं जो इनसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं इन्हीं अभिनेत्रियों के होने वाले सासू माँ से जो इनसे ज्यादा सुंदर हैं। नंबर 1, रीम शेख। तुझसे राब्ता सीरियल में कल्याणी का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री रीम शेख की होने वाली सास बहुत ही सुंदर है। जी हाँ, ये बहुत ही जल्द टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सैबान अजीम से शादी करने वाली हैं। तो इस नाते से सैबान अजीम की मम्मी रिश्ते में लगीना रीमा शेख की सासू माँ जो देखने में काफी स्टाइलिश नहीं है पर देखने में बहुत ही प्यारी दिखती है, जैसे की आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 2 पे है जिया मानिक। साथ निभाना साथिया सीरियल में गोपी का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री जिया मानिक की भी होने वाली सास हैं बहुत सुंदर। जी हाँ, ये बहुत ही जल्द टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर निशान सिंह मलकानी से शादी करने वाली हैं, जिनकी मम्मी रिश्ते में जिया मलिक की सास लगेंगी। तो आपको बता दें, जिया मानिक की होने वाली सास रियल लाइफ में वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करती हैं, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लगती हैं और थोड़ा सा जब मेकअप कर लेती तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 3, श्रुति झा। कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा का किरदार निभाकर लाखों करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री श्रुति झा की होने वाली सास है बहुत सुंदर। जी हाँ, ये बहुत ही जल्द मशहूर एक्टर कृणाल करण कपूर के साथ शादी करने वाली हैं। तो इस नाते से कृणाल करण कपूर की मम्मी श्रुति झा की होने वाली सासू माँ हुई जो लाइमलाइट से दूर रहती है, जिस वजह से आप श्रुति झा की होने वाली सासू माँ की पिक नहीं देख सकते। पर कहा जाता है कि इनकी सासू माँ रियल लाइफ में ट्रेडिशनल ड्रेसेस यानी कि साड़ी को कैरी करती हैं, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। नंबर 4, श्रद्धा आर्या। कुंडली भाग सीरियल में प्रीता का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री श्रद्धा आर्या की होने वाली सास हैं बहुत खूबसूरत। जी हाँ, ये बहुत ही जल्द जाने माने बिजनेसमैन आलम मक्कर से शादी करने वाली हैं, जो इस तरह से होने वाले पति आलम मक्कर की मदर हुई ना श्रद्धा आर्या की होने वाली सास, जो रियल लाइफ में सूट सलवार जैसे ड्रेस को कैरी करती है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगती है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 5, शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा का किरदार निभाकर लाखों करोड़ों दर्शकों के दिल जीतने वाली अभिनेत्री शिवांगी जोशी की भी जो होने वाली सासू माँ है बहुत खूबसूरत। जी हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट अभिनेत्री शिवांगी जोशी बहुत ही जल्द अपने को स्टार मोहसिन खान से शादी करने वाली है। तो इस नाते से मोहसिन खान की माँ रिश्ते में लगी ना शिवांगी जोशी की सासू माँ। तो आपको बता दें, शिवांगी जोशी की होने वाली सास काफी स्टाइलिश और अपने सैंडल से लेकर कपड़ों की मैचिंग करके पहनती है और मेकअप भी करती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। नंबर 6, ऐश्वर्या शर्मा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में ऐश्वर्या शर्मा का नाम शुमार है, जो इन दिनों गुम है किसी के प्यार में पाखी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं और इनकी भी होने वाली सासू माँ है बहुत सुंदर। जी हाँ, ये बहुत ही जल्द अपने को स्टार नील भट्ट के साथ शादी करने वाली हैं। तो इस तरह से नील भट्ट की मम्मी हुई ना ऐश्वर्या शर्मा की सासू माँ। तो आपको बता दें, इनकी सासू माँ रियल लाइफ में हर तरह की ड्रेसेस को कैरी करती है और हमेशा हंसती रहती है, जिसमें यह बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की होने वाली सासू माँ बहुत ही सुंदर लगी, आप हमें इस अभिनेत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।